सो हे गाइस, मेरा नाम है शुभम एंड वेलकम बैक टू टेक शुभम। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया पर सबसे तेज़ी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाला ऐप इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइस इंस्टाग्राम एक ऐसा ऐप है जिसने लोगों के दिलों में अपनी कम समय में अपनी बहुत जगह बना ली है। सो गाइस, इस पर होता क्या है कि इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनता है। अकाउंट बनने के बाद इस पर लोग अपने फ़ोटोज़ वीडियोस अपलोड करते हैं। और गाइस, कुछ टाइम से वैसे तो एक इंस्टाग्राम में एक लिमिट जारी की है, वो अपने अकाउंट पर कुछ रूल्स जारी किए हैं, जिसको अगर अकाउंट होल्डर तोड़ देते हैं या उनसे अब्यूज थिंग कर दें कोई, तो गाइस उनके अकाउंट पर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और वो गाइस होती है एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम, ये उसको कहते हैं टेम्परेरी एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम, या फिर इसको परमानेंटली भी कह सकते हैं, क्योंकि गाइस ये कुछ कितने भी टाइम के लिए हो सकता है। सो गाइस, इसलिए मैं आपके लिए कुछ ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको ये आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। सो गाइस, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल सके। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले ये टेम्परेरी एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम होता क्या है और ये कितने टाइम तक लगती है। तो गाइस, ये होती है कि आपका ये अकाउंट कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है इंस्टाग्राम की साइट से, जो इस पर आप फिर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि आप किसी फ़ोटो पर लाइक भी नहीं कर सकते हो, कमेंट नहीं कर सकते हो, और अपनी अपनी पोस्ट भी शेयर नहीं कर सकते हो। और गाइस, अब बता देता हूँ मैं आपको ये प्रॉब्लम कितने टाइम तक होती है। तो गाइस, ये चार टाइप की होती है एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम। तो गाइस, पहली होती है 1 घंटे की या फिर 10 मिनट की हो जाती है। और गाइस, सेकेंड होती है लगभग ये 2 से 3 दिन की होती है। और गाइस, ये थर्ड वाली प्रॉब्लम होती है 7 दिनों के लिए आपका ये टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है। और गाइस, एक और ये होती है 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम होती क्यों है। सो गाइस, ये एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी के, या फिर जैसे कि आप, मैं बताता हूँ आपको कि आप किसी का ये फेमस या प्रोफेशनल अकाउंट है, जैसे कि वरुण धवन मेरा फेवरेट हीरो है, उसका ये फेवरेट अकाउंट है। तो गाइस, मैं अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने के लिए मैं उसके अकाउंट पर एक विजिट करूँगा। विजिट करने के बाद उसके फॉलोअर्स में जाऊँगा, जैसे कि मैं उसके फॉलोअर्स को लगातार फॉलो करता जाऊँगा ना, तो गाइस मेरे, उसकी एक लिमिट होती है लगभग ये 300 के आसपास होती है। इस वजह से ये एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम एक दिन में अगर 300 से ऊपर फॉलोइंग कर देते हैं या अनफॉलो कर देते हैं, तब ये एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम हमारे सामने देखने को मिलती है। तो गाइस, बहुत तरह की होती है ये एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम। तो आप किस लिए, क्यों होती है, मैं आपको इसमें बताता हूँ क्लियरली कि या तो आप इस पर किसी के फ़ोटो पर लगातार लाइक्स करते जा रहे हो, उसके फ़ोटोज़ को लगातार शेयर करते जा रहे हो, या फिर उसके फ़ोटोज़ पर लगातार कमेंट करते जा रहे हो, किसी को लगातार फॉलो करते जा रहे हो, तो इसलिए गाइस ये प्रॉब्लम होती है। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी, ये प्रॉब्लम होती किस लिए। तो गाइस, ये प्रॉब्लम होती इसलिए क्योंकि या आपका एक गोल होता है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाहते हो। फेमस होने के लिए आपको चाहिए क्या? फेमस होने के लिए आपको चाहिए सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए, उसके बाद आपको अपने फ़ोटोज़ पर या पोस्ट पर लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए। उसके लिए आप करते क्या हो? उसके लिए आप करते हो कि किसी के प्रोफेशनल अकाउंट पर जाते हो, उसके अकाउंट्स को लगातार फॉलो करते जाते हो, क्योंकि उसके अकाउंट पर लगातार जो जितने फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोइंग होती है उसकी, वो लगातार सारी एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं, तो उनके लिए आप लगातार फॉलो करते जाते हो और वही फॉलोअर्स आपको फॉलो बैक करते जाते हैं बैक टू बैक। कुछ टाइम में आपके फॉलोअर्स लिस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो गाइस, इस वजह से ये एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम होती है। तो ये गाइस आपका एम होता है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके, ये सॉल्व होती कैसे। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हम कि ये प्रॉब्लम होती किस लिए। ये तो आपको मैंने बता दिया, क्यों होती ये भी बता दिया मैंने आपको। तो गाइस, आप लोग इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे जो आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, ये आपकी एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है, और नहीं तो फिर आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको टाइमिंग देनी है इंस्टाग्राम पर, जैसी टाइमिंग अगर आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ करना चाहते हो और एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्यूट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले करना है आपको आपके फेवरेट हो या फिर किसी प्रोफेशनल अकाउंट या फेमस अकाउंट पर जाना है, उसके फॉलोअर्स में आना है आपको, या फिर फॉलोअर्स उसकी वहाँ फॉलोअर्स में जाना है आपको, उसके फॉलोअर्स को बैक टू बैक फॉलो करते जाना है। तब तक फॉलो करना है आपको, जैसे कि आपको टाइमिंग देनी है,
कि एक फॉरवर्ड मैंने कर लिया, उसके 1-2 सेकंड बाद दूसरा करना है, तीसरे सेकंड 2-3 सेकंड बाद तीसरा करना है, ऐसे कर करके आपको कुछ टाइम देना है। टाइम के हिसाब से आप कुछ करोगे ना तो ये आपको एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और गाइस दूसरी दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी की फोटोज़ को लाइक करते हो या आपको कोई अकाउंट पसंद आ गया तो आप उसको आपको आपको उसकी पोस्ट पसंद आई, पोस्ट पसंद आने के बाद आप करते क्या हो, उसकी सारी पोस्ट को एक साथ बैक टू बैक लाइक करते चले जाते हो। सो गाइस आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। क्योंकि उसका या मान लो आप उसको लाइक करना है तो करने के लिए आप करो, हम मैं ये नहीं कह रहा कि उसको लाइक करना है तो लाइक करो, एक लाइक कर दो, इसके कुछ टाइम बाद दूसरी लाइक करना, ऐसे ही तीसरी लाइक करना है कुछ टाइम गैप देने के बाद। और गाइस कमेंट भी करना है ना आपको, तो कुछ बंदे होते क्या हैं जो किसी की जैसे कि कोई फ्रेंड है उसको उसने अपना फोटो डाला तो वो उससे क्या कहता है, भाई मेरे फोटो पर कमेंट कर जल्दी से जल्दी, तो वो क्या करता है फोटो पर कमेंट करता चला जाता है तो उसके खुद के अकाउंट पर एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए उसको क्या करना है, एक कमेंट करनी है, 1-2 सेकंड रुकना है, 2 कमेंट करनी है, फिर उसके कुछ टाइम रुकना है। तो गाइस ऐसे आप उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। और गाइस अनफॉलोइंग भी आपको करना है, जैसे आपकी फॉलोइंग ज़्यादा हो जाती है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तो गाइस आपको सबसे पहले करना क्या है, फॉलोइंग करना है, फॉलोइंग अनफॉलोइंग को अनफॉलोइंग करना है ना आपकी, तो एक कुछ टाइम के लिए आप करते हैं, जैसे आप टाइमिंग बना सकते हो 10 घंटे के गैप से आप कुछ 10 फॉलोइंग कम कर दी, 20 घंटे के गैप से कुछ 100 फॉलोइंग आपने कम कर दी, तो ऐसे करके आप अपनी फॉलोइंग को घटा सकते हो। तो दोस्तों जो आपको मैंने ये पिछले पीछे ये कुछ सारी टिप्स बताई हैं, सो गाइस आपको अगर आप इनको फॉलो करते हो तो गाइस आपको अपने अकाउंट पर बिल्कुल भी एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम को देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि गाइस ये एक ऐसी टिप्स दी जो मैंने आपको, इससे आप अपने अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक भी ले जा सकते हो। और गाइस आपको ये एक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम टेम्परेरी ब्लॉक या परमानेंटली ब्लॉक जितने भी टाइम के लिए ये होता है उसको आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो कीजिए एक लाइक, और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास देख रहे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइस चलते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आपके लिए कुछ नए लेके आऊँगा।